हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टेडियम क्रिकेट में स्वागत है। आज आपके लिए यहां पर राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ क्लास वैकेंसी 2019 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसकी आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी, यानी कि जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है अब उनको क्या करना होगा, जो नए अप्लाई करने वाले हैं उनको क्या करना होगा, दोनों का यहाँ पर पूरा जानकारी मिलेगी। फीस क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। यानी कि आपको ये वीडियो अंत तक देखोगे तो आपको हर प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर वीडियो पूरा देखना बहुत ही जरूरी है यदि आप फोरम भरने जा रहे हो, क्योंकि ये जो फोरम है यदि एक बार गलती हो गई दोबारा आप एडिट कर नहीं सकते। तो इसलिए पहले ही बता देता हूँ कि आपको ई मित्र में जाने से पहले, सारी जानकारी जाने से पहले एक बार देख लें, क्योंकि नाम पते माता पिता किसी में चीज़ में गलती हो गई तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको भुगतना होगा। यहाँ पर आपको किस किस में बेनिफिट हो सकता है वो भी बताऊँगा। NCC का सर्टिफिकेट है आपके पास, और भी कोई सर्टिफिकेट है तो उसमें क्या फायदा होगा, तो चलिए जानते हैं, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, ये अभी हाल ही में जारी किया गया है। आज ही मैंने सुबह भी बता दिया था सुबह की वीडियो में कि आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया 6/11/2019 यानी कि अभी हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थायी लोक अदालतों सहित में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों कार्यालय चपरासी समतुल्य पदों के रिक्त पदों पर भर्ती यहां पर की जा रही है, सीधी भर्ती है। और आप देखिएगा यहां पर, ये देखिए यहां पर, ये 2017 में वैकेंसी निकली थी और उसमें सारा नियम कानून दिया गया था, उसी के अनुसार यहाँ पर ये भर्ती की जाएगी। और यहाँ पर जो पेमेंट था प्रति माह का वो 12,400 रुपये था यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड में, उसके बाद यहाँ पर ये भर्ती जो आपकी है इसे पैसे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और विशेष जानकारी क्या है, और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे जिस टाइम, और आगे जानकारी आपको देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ पर रिक्तियाँ किस किस में है, तो रिक्तियाँ यहाँ पर देखोगे आप तो जिला न्यायालय हेतु है 11-19 क्षेत्र की संलग्न पोस्ट में, और यहाँ पर सेकंड में, और यहाँ पर ये सारा दे रखा है, ये सारी आपको बताऊँगा अलग अलग पोस्ट वाइज ये सारा नोटिफिकेशन है, ठीक है आपको बताऊंगा। ये सारी जिले वाइज है, यहाँ पर कौन से ज़िले में कितनी वैकेंसी है ये सारी भी आपको जानने को मिलेगी। आप कौन से ज़िले से फॉर्म भरना चाहते हो ये सब आपको हम बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखोगे तो आपको पूरी मामला समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप यहाँ पर एक एक बात को समझाता हूँ मैं, और आपको एक भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर है उपयुक्त रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय निम्नानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, तो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें कमी या बढ़ोतरी कभी भी की जा सकती है इस भर्ती में, और ये नोटिफिकेशन किया गया जारी है। देखिए यहाँ पर आगे, यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र इनको सभी को यहाँ पर आरक्षण है, तो यहाँ पर देखिए अनुसूचित क्षेत्रों में 5% और अनुसूचित जाति में 45% अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्र के 50% पद किसी भी जाति या वर्ग के उसी अनुकूल अनुसूचित क्षेत्र में के अभ्यर्थियों का योग्यता के आधार पर वरीयता के क्रम में निम्नानुसार चयन होगा, तो यहाँ पर सारी जानकारी है। उसके बाद यहाँ पर आप निवासी होना चाहिए 1970 तक, और यहाँ पर यह महिलाओं को भी यहाँ पर आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को जो भी है सारी महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण दिया गया है, दिव्यांगजनों को यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके बाद बात करते हैं उत्कर्ष खिलाड़ी, यानी कि जो खिलाड़ी है, ठीक है, उनको यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ये सारे भूतपूर्व सैनिकों, यानी कि एक्स सर्विस मैन को भी यहाँ पर आरक्षण मिलेगा। उसके बाद महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन यहाँ पर यह है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट, राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला भूतपूर्व सैनिक दिव्यांगजन उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों तो पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन अभ्यर्थियों को राजस्थान अधिशासी चालक एवं चतुर्श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 2017 के विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जाएगा, तो उससे हिसाब से यहाँ पर भरा जाएगा। उसके बाद एक आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, यानी कि जो पहले हत्या विद्यार्थी उनके यदि एज ओवर हो गई है, यानी कि अभी एज ओवर हो गई है और पहले नहीं हो रही थी, तो वो विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि एज ओवर होने के बाद भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं वो विद्यार्थी जिन्होंने 2017 की जो वैकेंसी निकली थी या चतुर्श्रेणी की उस समय यदि फॉर्म भरा था तो, और जो पिछली बार जो फॉर्म भरा था जिन विद्यार्थियों ने, उनको यहाँ पर दोबारा से फॉर्म भरना होगा, उनकी यहाँ पर फीस नहीं लगेगी, ये सारा आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या है आगे और जानकारी देखे थे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी को आरक्षण है TSP नॉन TSP सभी, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या
अन्य किसी बोर्ड से सेकेंडरी। तो यहाँ पर जो दसवीं पास विद्यार्थी है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए, राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पर ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर शारीरिक उपयुक्त यानी कि फिजिकल फिटनेस होना चाहिए वो विद्यार्थी राष्ट्रीयता यानी कि भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो या भूटान का प्रजाजन हो तो वह फॉर्म यहाँ पर भर सकता है। आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है 1 जनवरी 2020 से 18 वर्ष से और 40 वर्ष तक जो यदि विद्यार्थी है तो वह यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक और बात कही गई है वो आपको मैं बताऊँगा। उपयुक्त ऊपरी सीमा को यहाँ पर 10 अनुसूचित जाति को 10 वर्ष की छूट है, यहाँ पर इन विद्यार्थियों को 5 वर्ष की छूट है। उसके बाद यहाँ पर साफ साफ एक नीचे इम्पोर्टेंट नोट वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि जो एक्सर्स मैन है उनको यहाँ पर सबको छूट दी जाएगी। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट क्या लिखा हुआ है वो देखिए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी यानी कि कार्यालय चपरासी समतुल्य पद के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती 2017 को राजस्थान उच्च न्यायालय की सूचना क्रमांक, तो यहाँ पर देखो अधीनस्थ न्यायालय चतुर्श्रेणी कर्मचारी 2019 254 दिनांक 22/2/2019 द्वारा रद्द किया गया था। वह उक्त भर्ती के आवेदकों को नवीन प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने पर आयु सीमा में छूट प्रदान की गई थी। अतः ऐसे पुराने आवेदक यहाँ पर किसी भी बात के होते हुए क्या कर सकते हैं, वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए आयु की दृष्टि से पात्र यानी कि एलिजिबल यानी कि समझे जाएंगे, पात्र समझे जाएंगे। तो किसी विद्यार्थी को घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मेरी एज ओवर हो गई यानी कि 40 से ज़्यादा हो गई तो अब मैं फॉर्म कैसे भरूँ। बिल्कुल फॉर्म भरिए आप मित्रों, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी 1% भी, और आप अभी फॉर्म भर दीजिए ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट आप सीधा कर सकते हो। चरित्र पर आप यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। परीक्षा शुल्क क्या होगा यानी कि सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य राज्य के आवेदक 150 रुपये यहाँ पर फीस लगेगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा अथवा परित्यक्ता, दिव्यांगजन, इनकी यहाँ पर 100 रुपये फीस लगेगी। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कही गई है, जिन विद्यार्थियों ने पहले आवेदन कर दिया था उनको यहाँ पर कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा ठीक है। कोई भी यहाँ पर परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, यानी कि आपने यदि पहले आवेदन किया तो मात्र आपको 0 रुपये पे करके डायरेक्ट आपको आवेदन सबमिट हो जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर बढ़िया बात है एक अच्छी। और मैंने पहले जब 22 तारीख को भर्ती कैंसिल हुई थी तब भी बताया था कि जो विद्यार्थी है इनका आवेदन जो भरा जाएगा अगली बार तो वहाँ पर फीस नहीं मिलेगी। परीक्षा शुल्क की वापसी यानी कि रिफंड फीस की आप सोचते हो तो बिल्कुल भी ना सोचे, सोचना बंद कर दे आज से। परीक्षा शुल्क आपको रिफंड नहीं मिलेगा यहाँ पर, यह साफ साफ बात बताई गई है। उसके बाद यहाँ पर बात करें, अगली बात है यहाँ पर परीक्षा चयन कैसे होगा, परीक्षा की स्कीम, पाठ्यक्रम एवं चयन की रीति यानी कि स्कीम वगैरह क्या है। तो कार्यालय चपरासी समतुल्य पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित है, जो कि क्रमांक संख्या 85 और 15 अंकों का होगा। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा आपकी 85 मार्क्स की होगी और जो साक्षात्कार होगा वह 15 मार्क्स, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, आपके एनसीसी सर्टिफिकेट, ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारा लगाओगे आप 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो क्या क्या लिखित परीक्षा में होगा, 2 घंटे की अवधि होगी आपके लिए वहाँ पर, और हिंदी होगी और इंग्लिश होगी। सिलेबस भी आपको बता दूंगा मैं। राजधानी संस्कृति एवं बोलियाँ, लिखित परीक्षा में कुल 85% प्रत्येक एक अंक क्या होगा, 85% होंगे वह एक एक अंक के होंगे। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी व राजधानी संस्कृति बोलियां क्रमशः 40-45% होंगे ठीक है। यहाँ पर सभी की जो हिंदी है उसके 40 होंगे, अंग्रेजी के 25 होंगे, उसके बाद राजस्थान संस्कृति और इन बोलियों के 20% होंगे। और नकारात्मक यानी कि माइनस मार्किंग नहीं होगी। लिखित परीक्षा OMR सीट के माध्यम से की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सारा देख सकते हो, यहाँ पर और भी जो आप देख सकते हो, चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में कुल अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद हर यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, साक्षात्कार है तो यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में 34 अंक, यदि 34 अंक से और 38 अंक प्राप्त हो जाते हैं आप सभी के तो आप यहाँ पर पास हो जाओगे, यानी कि 34 अंक यदि आ गए तो पास हो जाओगे। और जो सभी श्रेणियाँ बची हुई है यदि उनके 38 अंक आ जाते हैं तो वो पास हो जाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के यहाँ पर 40 अंक और इनके 45 अंक आ जाते हैं तो वह यहाँ पर विद्यार्थी पास माने जाएंगे। और सारा आपको मैं जानकारी आपको बता देता हूँ यहाँ पर।
ऑनलाइन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 तारीख से शुरू हो जाएगी, यह सारी जानकारी 18 तारीख से ऑनलाइन आवेदन करने की सीमा 18/11/2019 सोमवार को यहाँ दोपहर 1 बजे से है और 17/12/2019 मंगलवार को रात्रि 12 बजे यानी कि आपका बंद कर दिया जाएगा। और आप इस ई मित्र के या नागरिक सेवा केंद्र SC/SC से आप इसे फॉर्म से भर सकते हो या पैसे जमा करा सकते हो। आवेदक संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश, तो क्या निर्देश है यहाँ पर है, कोई भी आवेदक जिस श्रेणी या कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन करने का पात्र है वह उसी श्रेणी में आवेदन करें। आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाए। यदि गलती से आपसे यदि आप ST के ओर आपसे गलती से SC भर गया या ST के ओर आपने OBC भर दिया तो वह मान्य नहीं होगा। फिर बता देता हूँ, कभी चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं आएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पास होते हुए भी यदि आपने 100 में से 100 नंबर लेके आ गए, आप पास हो गए, मेरिट आ गए, तब भी आप वहाँ पर कैंसिल हो जाओगे यानी कि आपको वहाँ पर कोई नौकरी नहीं मिलेगी यानी कि आप नौकरी गवा सकते हो। तो ये सारी जो जानकारी है वो आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप कभी गलती ना करें। लिखित परीक्षा और स्थान वगैरह ये कभी हो गए हैं ये सारा आपको यहाँ पर जल्दी बता दिया जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर डेट आएगी आपको सारा नोटिफिकेशन इस चैनल द्वारा मिलता रहेगा, इसलिए इस चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेट हमारे चैनल द्वारा सबसे पहले मिलती है। सुबह भी आपने देखा था, सबसे पहले हमने बता दिया था कि आज आपका ये हो जाएगा और आप SSO ID के माध्यम से ये सारा फॉर्म भर पाएंगे। और जिनकी SSO ID है तो पहले वाली SSO ID से फॉर्म भरे ताकि आपके पैसे नहीं लगे। और यहाँ पर परीक्षा के लिए बताया गया है, परीक्षा में कोई ब्लूटूथ मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं ले जा सकते। ये सारी जानकारी अभी दे दी गई है, ये इसलिए दी गई है क्योंकि ये परीक्षा बहुत ही जल्दी होगी यानी कि आपके जनवरी वगैरह में ये परीक्षा करवाई जा सकती है किसी भी समय, क्योंकि जो 18 तारीख है वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और सरकार के ऊपर दबाव भी है कि इस भर्ती को बहुत जल्दी किया जाए। और आपको पता है खुद को भी, क्योंकि 2017 की ये वैकेंसी थी और ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी पूरा करना ज़रूरी है। यहाँ पर और भी जानकारी आप देख सकते हो, हेल्पलाइन वगैरह यदि आपको नंबर चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो। कोई भी कठिनाई आती है तो आप यहाँ पर इसी हेल्पलाइन में आप कभी भी कॉल कर सकते हो और आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर SC ST OBC यहाँ सभी की यहाँ पर वर्गाकार यहाँ पर सभी की दे रखी है। वैकेंसी किस किस में है यहाँ पर अजमेर में देखिए 217 वैकेंसी है, उसके बाद अलवर में 162 और बालोतरा में यहाँ पर 114, 12 में 78, भरतपुर में, सब जगह जिले वाइज कैटेगरी वाइज सब जगह यहाँ पर वैकेंसियाँ मेंशन कर रखी है। तो ये सारा आपको डाटा देख लेना है, यहाँ पर ये सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सब देख सकते हो, ये सारा यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है सारा, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसियाँ, यहाँ समन्वयक 2 मैंने ऊपर आपको समन्वयक के बारे में बताया था उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया, अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर सारी जानकारी दे रखी है। तो जिन विद्यार्थियों ने ये पूरा नोटिफिकेशन देख लिया है आशा करता हूँ उनको मेरी हर बात समझ में आ गई होगी। और यदि वीडियो अच्छी लगी है और आपके कोई भी दिक्कत आई हुई इस वीडियो में तो आप हमें ज़रूर अभी कमेंट करिए। और आपको सिलेबस की वीडियो है वो सारा सिलेबस की वीडियो मैं आपको आज ही या शाम को या कल सुबह आपको वीडियो दे दूंगा, तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी इसका एग्ज़ाम वगैरह भी होगा, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों को किसी भी भर्ती में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें ज़रूर संपर्क करें। और आपका दिन सुबह दोस्तों, और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप फॉर्म अच्छे से भरें। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हेल्पलाइन में कॉल कर लीजिएगा या मुझे आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप में, तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।